राम राम सर, मैं हूँ प्रिया। मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रो सिस रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एमसी स्टैन के सॉन्ग ब्रो इज अ जोक पे, और इसके हमें बहुत सारे सजेशंस मिले थे, तो सबसे पहले हम ये सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये था सॉन्ग ब्रोक इज अ जोक। और मतलब इस सॉन्ग का जो म्यूजिक है ना, वो इतना तगड़ा है ना, क्योंकि मतलब बहुत ही आराम से पीछे चल रहा होता है, कोई ऐसा धुपचुक धुपचुक वाला नहीं है कि कानों में दर्द हो जाए, एकदम स्मूथली चलता रहता है और रैप के ऊपर एकदम सेट बैठता है। और एमसी स्टैन का जो रैप है ना, जैसे वो लिखता है और जैसे वो अपने आपको पूरा प्रेजेंट करता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा सोचने पे मजबूर कर ही देता है कि कभी तो उसकी बात एकदम समझ में आ जाती है और कभी मतलब बस सोचते जाओगे इसने ऐसा क्यों बोला, किस लिए बोला, और मतलब बहुत ही दिमाग मतलब रुक जाता है, मेरा ब्लैंक हो जाता है। इस सॉन्ग को सुनने के बाद मेरा कई कई जगह पे एकदम मैं ब्लैंक हो गया कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस बात को किस तरीके से समझूं। हाँ, बट ये अपने हर गाने में आपने देखा होगा कि बस्ती को रिप्रेजेंट करना, हर
गाने में ऐसी एक लाइन तो होती होती है क्योंकि वो बस्ती से आया हुआ बंदा है। और उसके बाद इस गाने में उन्होंने ये भी बताया कि 10 लाख मेरे फैंस हैं, मतलब मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, मैं शो करता हूँ और कपड़े में मतलब खरीदता नहीं हूँ, मैं खुद बनाता हूँ, मतलब खुद एक ब्रांड है अभी के टाइम में एमसी स्टैन। और इतना डीप मीनिंग लिरिक्स है वो भी खुद की लाइफ के ऊपर। ऐसा नहीं है कि जगह देख के या कुछ भी कोई सिचुएशन देख के गाना नहीं, अब जैसे कि हाँ, अब जैसे कि एक लाइन थी कि दोस्त बनाया दुश्मन को, अब ये लाइन मतलब आप अगर सोचने में बैठोगे ना तो ये बहुत ज्यादा डीप लाइन है। आप इसको सोचोगे तो आपको बहुत मतलब ज्यादा सोचना पड़ेगा इस एक लाइन के लिए। हाँ। तो आप सोच सकते हो कि ये पूरे सॉन्ग में ऐसी कितनी लाइन बोलता है ये बंदा, तो कहीं पे एंड में आके ऐसी जगह छोड़ देता है कि मतलब दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। और ये सॉन्ग भी इतना कमाल का लगा मुझे। और जो लुक दिखाता है अपने, जो कपड़े पहनता है एमसी स्टैन, वो तो मतलब काफी रावस ही लगता है। वो उनका पीट उनका साइन, और फिर जो लास्ट हिंदी आता है और जो चेन वेन सब, मतलब एक अलग ही लुक है, एक अलग ही वाइब देता है उनका म्यूजिक, उनका सिंगिंग, उनका रैप, सब कुछ। और ये गाने वही समझ सकता है जो एमसी स्टैन के ट्रू फैन है, मतलब ट्रू पंखे है जैसा एमसी स्टैन बोलते हैं कि जो ट्रू पंखे है वही समझ सकते हैं, वही जो कनेक्ट होगा इन गाने से वही ये गाने सुनेगा। और मैं अब धीरे धीरे कनेक्ट होने लगा और मुझे मजा आने लगा एमसी स्टैन के सॉन्ग सुनने में। सो मुझे ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा। आप और हमें सजेशन दीजिए, हम और एमसी स्टैन के सॉन्ग पे रिएक्शन लेके आएंगे और मचाएंगे, धूम मचाएंगे। बाकी ये सॉन्ग बहुत कड़क था, मजा आया सुनने में। और इस सॉन्ग का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पे यूं बनाए रखना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।